पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके बच्चे के, छोटे बच्चे के, नवजात शिशु के बाल झड़ रहे हैं तो आप परेशान हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे के बाल झड़ते हैं। तो वो कारण मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से बच्चे के सर पे अच्छे बाल आप उगा सकती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, मेरी भी दो बेबी गर्ल हैं, उनके ही साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है और दोनों के ही बाल बहुत हल्के आए थे, और बाल जब हल्के आने के बाद कुछ दिनों बाद उनके बाल झड़ने लग गए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरे छोटे बेबीज़ हैं, उनके बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, क्या परेशानी है। दोनों ही बच्चों के साथ ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नवजात बच्चों के बाल क्यों झड़ते हैं, अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो बच्चे के बाल होते हैं, जो पेट के बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो हल्का सा रगड़ लगने पर या टच होने पर बच्चे के बाल झड़ने लगते हैं या टूट जाते हैं। तो इसलिए आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं या बहुत ज़्यादा गंजापन बच्चे को आपको महसूस हो रहा है तो आप परेशान मत होइए, वो सब सही हो जाएगा। आपको अपने बच्चे के हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ाने, किस तरह से घने बाल करने, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के बाल क्यों झड़ते हैं, क्यों गिरने लग जाते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बच्चे को हम पट नहीं सुलाते हैं, यानी मुंह के बल नहीं सुलाते हैं, ना ही सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का दम घुट सकता है। बच्चे अक्सर इस तरह से सोते हैं, स्ट्रेट सोते हैं, तो उनका जो पीछे जो रगड़ है, रगड़ के कारण भी बच्चे के बाल झड़ जाते हैं, जिसको हम घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन के कारण बच्चा एक जगह लेटा रहता है, एक ही पोजीशन में बच्चा लेटा रहता है, तो जब बच्चा एक रगड़ के द्वारा और एक ही पोजीशन में बच्चे के रगड़ते हैं बाल खटोर सरफेस से, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो तकिया हो, चाहे किसी से, जब बच्चे के बाल लगातार रगड़ रहे हैं तो एक घर्षण पैदा हो रहा है। उससे क्या होता है कि बच्चे के पीछे के जो पीछे का सर है, वहाँ के सारे बाल निकल जाते हैं, गंजा हो जाता है बच्चा। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपके बच्चे के पीछे के बाल निकल गए तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वो तो हर बच्चे के मोस्टली निकल जाते हैं, क्योंकि किसी किसी बच्चे के बाल बहुत हल्के आते हैं, किसी के अच्छे बाल आते हैं तो वो निकलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के इतने घने बाल, इतने सुंदर बाल आते हैं तो वो नहीं निकलते हैं। लेकिन हल्के बाल आते हैं, बिल्कुल रुएं जैसे बाल आते हैं, तो वो घसड़ के कारण, रगड़ के कारण बच्चे के धीरे धीरे वो वहाँ से उतने एरिए के बाल निकल जाते हैं। तो निकल जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। या फिर दूसरा पॉइंट है कि आपके बच्चे के सर में किसी भी प्रकार का रिंगवॉर्म या दाद हुए, आपने देखा होगा बच्चे के सर में दाद हो जाते हैं, हल्के हल्के चकत्ते चकत्ते वाइट वाइट स्पॉट जगह जगह पर, इधर एक जगह वाइट स्पॉट हो गया, फिर दूसरी जगह पर, जगह जगह पर वाइट स्पॉट हो जाते हैं। वो दाद जैसे जब बच्चों के हो जाते हैं तो उस एरिए से भी बच्चे के बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब वो दाद पूरे सर में फैल जाते हैं तो पूरे सर में फैलने के कारण भी बच्चे के सर में गंजापन आ जाता है, बच्चे के बाल निकल जाते हैं दाद होने की वजह से। तीसरा पॉइंट है कि जब बच्चे को क्रेडल कैप हो जाती है, क्रेडल कैप एक बहुत हार्ड पपड़ी होती है और जिसमें बच्चे के बाल या तो बहुत नाजुक रहते हैं या धीरे धीरे जब वो क्रेडल कैप हटती है तो हटने के साथ ही बच्चे के बाल भी टूटने लग जाते हैं और बच्चे के ऑलमोस्ट बाल निकल जाते हैं। क्रेडल कैप होती है बच्चे के फोरहेड पर, बच्चे के पूरे सर में, बच्चे के नेक पर, यहाँ तक जो आईब्रोज होती है उसमें भी क्रेडल कैप आती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही बच्चे के सर पर ये हार्ड पपड़ी होती है जो कि नॉर्मली बच्चे के निकलती नहीं है, जिसको आप अगर चाहो निकालना तो वो निकलती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके बच्चे के सर पर क्रेडल कैप है तब भी आपके बच्चे के बाल टूट सकते हैं, झड़ सकते हैं, या हो सकता है गंजापन भी आपके बच्चे को हो सकता है। और क्रेडल कैप जब धीरे धीरे निकलती है तो वो सारे बाल भी लेके निकलती है, धीरे धीरे सारे बाल उसके बच्चे के टूट जाते हैं। लास्ट हम बात करेंगे एलोपेसिया एरियोटा में क्या होता है कि बच्चे की पूरी खोपड़ी में जगह 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 पर बाल निकल जाते हैं, वहाँ पर गंजा आ जाता है, गंजापन हो जाता है, स्पॉट बन जाते हैं।
तो ये एरियोटा में ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर ये बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो छोटे बच्चे नवजात होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जगह जगह पर बच्चे के बाल निकल जाते हैं और गंजेपन के स्पॉट बन जाते हैं, गोल गोल स्पॉट बनने लग जाते हैं। एलोपेसिया एरियोटा की प्रॉब्लम मोस्टली 6 माह से छोटे बच्चों में ये देखने को मिलती है, जिसमें जगह जगह से बच्चों के बाल जो निकल जाते हैं, ये एक प्रकार का संक्रमण होता है जो कि बच्चे के सर में संक्रमण फैल जाता है और जगह जगह से बच्चे के बालों को निकाल देता है। तो डियर पेरेंट्स, ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर रीजंस बताए कि जिसके वजह से बच्चे के बाल निकल जाते हैं। नॉर्मली बाल निकलते हैं, बच्चा एक ही जगह पड़ा हुआ है तो बाल निकल गए, स्ट्रॉलर में पड़ा हुआ है तो बाल निकल गए, या किसी भी प्रकार की माँ दवाइयाँ ले रही हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से जो बच्चा दूध पीता है तो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे के बाल निकल जाते हैं। या बच्चा किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित है, कोई बीमारी है, दाँत घात खुजली बच्चे को हो गई है, क्रेडल कैप जैसे मैंने बताया, या किसी भी प्रकार की रगड़ से भी बच्चे के बाल निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से बच्चे के सर में गंजापन आ जाता है। अब बच्चे के बाल तो निकल रहे हैं, अब सॉल्यूशन क्या है कि हमारे बच्चे के बाल आ जाएं, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर बच्चे के क्रेडल कैप है तो क्रेडल कैप के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्रेडल कैप है तो आप बच्चे के खूब सारा कोकोनट ऑयल लगाएं। कोकोनट ऑयल आप दिन में भी लगाएं, कोकोनट ऑयल आप रात में भी लगाएं, उससे क्या होती है जो क्रेडल कैप है वो नॉर्मल हो जाती है, एकदम मुलायम पड़ जाती है, और जब वो मुलायम पड़ जाती है तो बच्चे की जो कॉम्ब आते हैं, सॉफ्ट कॉम्ब आते हैं, ब्रश और कॉम्ब होता है, उससे आप अपने बच्चे के डेली बाल काटिए। उससे क्या होगा, क्रेडल कैप निकल जाएगी, सारी क्रेडल कैप जब निकल जाएगी तो एक अच्छे नए बाल बच्चे के उगाते हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर नॉर्मली बच्चे के दाँत घात जैसा कुछ हो रहा है, फुंसियाँ हो रही हैं या जो भी है, तो आप धीरे धीरे जब आपको लग रहा है बच्चे का सर ठीक है, ठीक हो चुका है, कहीं पर भी कोई फुंसी नहीं है, तो आप अपने बच्चे का हेड सेव करा दें। हेड सेव कराने से क्या होगा कि नई ग्रोथ होगी, नए बालों की ग्रोथ होगी। आप एक दो बारी अपने बच्चे की हेड सेव करा दें, हर महीने करा दें, तो उससे अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी, बच्चे के बाल अच्छे निकल आएंगे। साथ ही साथ आप बच्चे के जो ऑयल है वो कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाता है तो अच्छा है। सर पर आप कच्चा दूध भी लगा सकते हैं, कच्चा दूध से किसी भी प्रकार का बच्चे के इन्फेक्शन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहेगा, ना ही दाँत का खुजली रहेगी। बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, ड्राइनेस होने की वजह से भी कभी कभी बच्चे के बाल निकलने लगते हैं, वो कहते हैं खुश्की हो गई है, सूखा सूखापन सा हो गया है। तो आप अगर अपने बच्चे के सर पर कच्चा दूध लगा रहे हैं तो कच्चे दूध से भी बच्चे के बहुत अच्छे बाल उगाते हैं, तो कच्चा दूध भी आप अपने बच्चे के बालों में लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल मैंने बताया है बहुत अच्छा होता है। बच्चे के जब भी आप बच्चे का हेड सेव करा देते हैं तो आप जो छोटे बच्चों के ब्रश आते हैं उस ब्रश से बच्चे के ऐसे ही आप सर पर फिराएं, उससे भी बच्चे के हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैंने पर्सनली ऐसे ही अपने जो बड़ी बेटी, अभी छोटी बच्चे के तो अभी हल्के हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है, लेकिन हाँ मेरी बड़ी बच्ची के बाल बहुत हल्के थे, इवन वो ऑलमोस्ट गंजी पैदा हुई थी और फिर उसके बहुत सारी क्रेडल कैप हो गई जो कि वॉश से नहीं निकलती थी, तो मैंने वो कोकोनट ऑयल लगा कर ही उसके वो क्रेडल कैप को हटाया। कम से कम मैंने 5-6 बारी उसके हेड सेव करा दी है, जिसकी वजह से अब उसकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, जितनी होनी चाहिए उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप भी परेशान हैं अपने बच्चे के गंजेपन से, तो ये सारे जो मैंने रीजन्स बताए, तो इन रीजन्स के वजह से बच्चे के बाल झड़ते हैं, छोटेपन पर ही झड़ जाते हैं। लेकिन आप किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी। आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, कच्चा दूध आप अपने बच्चों के बालों पर लगा सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं आपके बच्चे की अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो डियर पेरेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।